थाना गांव में पिछले एक साल भर से समलात भूमि को लेकर के विवाद चल रहा था कि वो लोग दबंग लोग जो गांव के वो समलात भूमि को सामूहिक रूप से कब्जा करने लग रहे हैं, जिसमें हमारे पुराने गोबर पाथने की जगह भैंस बांधने की जगह भी शामिल थी और हमारे को धोखाधड़ी में 1,000 रुपये इकट्ठे किए हमारे से ये कह के कि आपको भी 150 गज जगह हम अलाट करेंगे और हम सरकार की तरफ से ये प्लाट काट रहे हैं। हम अपना सब कुछ जो होना छोड़ करके न्याय के लिए जिला प्रशासन के दरबार में पहुंचे हैं और हरियाणा सरकार से जिला प्रशासन से हम इसकी शिकायतें लगभग एक साल से कर रहे हैं। तब हमने जिला प्रशासन से इस बारे में जानकारी मांगी या शिकायत करी तो वो लोग तय समय आगे उन्होंने हमारे खिलाफ़ अत्याचार शुरू करने कर दिए और ये कहा कि जब तक आप अपना अप्लीकेशन वापस लो और पंचायत में माफ़ी मांगो वरना हम आपको गाँव से निकाल देंगे। गांव से निकालने के लिए उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी और हमारा पूर्णतः बहिष्कार कर दिया। गांव के सामूहिक स्थानों पर जोहड़ कुआ और मंदिर जैसे स्थान हैं गांव गली चौक से हमारे को बेदखल कर दिया। आप किसी भी सामूहिक स्थान पर जोड़ और कुएं पर किसी दुकान पर किसी चौक पर हमारे साथ नहीं बैठ सकते, वहाँ नहीं आ सकते, आपकी वहाँ नो एंट्री है और जो निजी दुकानें हैं वहाँ से आप सामान नहीं ले सकते। एक दूसरे के खेत में आपसे कोई काम नहीं करवाएगा, अगर करवाएगा तो करवाने वाले का जुर्माना लगेगा और करने वाले का भी जुर्माना लगेगा। किसी प्रकार का लेन देन हमारे से नहीं किया, हमारे को जाति के नाम पर गाड़ियाँ देने लग गए, हमारा जीना दुभर कर दिया। हमारी मांग यह है कि जो दबंगों के खिलाफ जिन्होंने हमारा बहिष्कार किया उस पंचायत के खिलाफ SC ST का मुकदमा दर्ज हो और जो सामलात की भूमि पर उन्होंने कब्जा किया वो कब्जा तुरंत छुड़वा जाए।